Today we are going to discuss about the determination of effective index of a liquid by Newton mix. हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था आपको कि न्यूटन मिक्स का कैसे फॉर्मेशन हम करेंगे. एक्सपेरिमेंटली भी हमने प्रैक्टिकल में बताया हुआ है आपको कैसे न्यूटन मिक्स फॉर्मेट होती है लैब में, और दिखाया भी है आपको कि न्यूटन मिक्स कैसे फॉर्मेट होती है और उसका डायमीटर न्यूटन मिक्स का कैसे निकलता है. ये सब हम बता चुके हैं आपको, प्रैक्टिकली भी ये बता चुके हैं और थ्योरेटिकली बता चुके हैं. अगर हम लेंस और प्लेट के बीच में कोई लिक्विड अगर हम डाल दें तो उसका अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में. तो द लिक्विड इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड ग्लास प्लेट ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू. इसका जो लिक्विड है उसका हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू माना और कहां प्लेस किया, बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट जो हमने कल हमने डिजाइन किया था सर फिगर उसमें. तो द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज जो हमारे पास आई थी कल वो क्या आई थी, 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल लैम्डा. म्यू क्या है यहां पर, इफेक्टिव इंडेक्स है, और तो 2 म्यू टी की वैल्यू जो है एल लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 हो जाएगी और 2 म्यू टी विल बी इक्वल टू 2 एल लैम्डा माइनस लैम्डा डिवाइड बाय 2. तो 2 टी विल बी इक्वल टू 2 एल माइनस 1 ब्रैकेट में और लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू के बराबर हो जाएगी. कल हमने ये भी निकाला था आपको लास्ट लेक्चर में, वो आपको ये बताया था कि आपकी जो टूटी है वैल्यू वो रो एन स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर होती है. रो एन क्या है, हमारे पास रेडियस ऑफ द रिंग्स है जो हमने फाइंड आउट किया था. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रो एन स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्या होगा, 2 एन माइनस 1 इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू के बराबर हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रोन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 एन माइनस 1 लैम्डा आर डिवाइड बाय 2 म्यू के बराबर हो जाएगी. और रोन किसके बराबर है, डायमीटर के हाफ के बराबर है, जो रिंग है हमारे पास nth रिंग है उसके डायमीटर के हाफ के बराबर होगा. तो dn बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 एन माइनस 1 ब्रैकेट में लैम्डा आर डिवाइड बाय 2 म्यू के बराबर हो जाएगा. तो dn स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 एन माइनस 1 लैम्डा आर * 4 डिवाइड बाय 2 म्यू के बराबर हो जाएगा और ये dn स्क्वायर 2 लैम्डा आर ब्रैकेट में 2 एन माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू के बराबर हो जाएगा. अगर हम n प्लस p फ्रिंज की बात करें तो n प्लस p फ्रिंज के लिए dn स्क्वायर n प्लस p की वैल्यू जो है n की जगह हम क्या रख देंगे, n प्लस p रख देंगे. तो ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी और इसको 4 को थर्ड से सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास इसको 4 से सब थर्ड को सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर लिक्विड के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 पी लैम्डा आर डिवाइड बाई म्यू के बराबर आ जाएगी. अगर म्यू की वैल्यू 1 ले लें यानी कि एयर के लिए ले लें, एयर हो खाली लिक्विड ना हो, तो ये वैल्यू हमारे पास म्यू की वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे तो 4 पी लैम्डा आर आ जाएगी उनका सबट्रैक्शन डी एन पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर. नाउ इन दोनों को जो 6 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू म्यू के बराबर आ जाएगा. यानी कि म्यू विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये किसके लिए है, एयर के लिए, और डी एन स्क्वायर एन प्लस पी डी स्क्वायर एन किसके लिए, लिक्विड के लिए. तो ये डिवाइड करने से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी. तो हम पहले जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उस एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, कब, जबकि ग्लास और प्लेट के बीच में हमारे पास कोई लिक्विड नहीं है. और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे जबकि हमारे पास लेंस और प्लेट के बीच में लिक्विड जो हमें जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है वो हमने पुट अप कर दिया और उनसे हम जो रिंग्स बनी उनका डायमीटर हमने निकाला है और इनको वैल्यूज को कैलकुलेट किया. तो इनको हम डिवाइड करके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका निकाल लेंगे, लिक्विड का जो हमने प्लेस किया बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट. नाउ वन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के लिए किया है वो उसमें हमारे क्या चाहिए, हमें स्टॉक ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ता है. तो फेस चेंज ऑन द रिफ्लेक्शन, जब कोई रेज हमारे पास आती है कहाँ से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो हम ये देखते हैं कि ये फेस चेंज ऑफ पाई का फेस चेंज उसमें आ जाता है. तो मैंने लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट सफर्स ए चेंज ऑफ फेस चेंज ऑफ पाई. तो ये कहलाता है, ये किसने दिया, स्टॉक ट्रीटमेंट कहलाता है. तो ये देखिए आप, हमारे पास जो है ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है,
ये हमारे पास ए बी रे है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ये कुछ इसका पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है बी सी की फॉर्म में और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है बी डी की फॉर्म में, तो ए जो है उसका पार्टली पार्ट जो है ए आर रिफ्लेक्टेड हो गया और पार्टली पार्ट ए टी ट्रांसमिटेड हो गया। आर एन टी हमारे पास क्या है, आर एन टी आर द फ्रैक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन का एंड ट्रांसमिशन का, ठीक है ना, इन बी सी एंड द बी डी डायरेक्शन में, और ये फ्रॉम रेयर टू डेंसर में। सिमिलरली अब जो है, अब ये हमारे पास ए जो रे है वो इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड है, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड आया ए आर और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड आया ए टी। नाउ अब हम इसका रिवर्स कर दें, रिवर्स प्रोसेस कर दें, यानी कि अगर ए आर और ए टी हमारे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन आया तो इसका रिवर्स प्रोसेस हमें ए आना चाहिए, यानी कि इंसिडेंट का आना चाहिए। तो अब हमने क्या अज्यूम किया कि अब यह जाता है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो डेंसर से रेयर मीडियम में हमने माना कि आर डैश एंड टी डैश आर द फ्रैक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड व्हेन द वेव ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो जब ए टी यहां पर जाएगा, ये ट्रांसमिट होगा और ये रिफ्लेक्शन होगा इसका ए टी का, तो ए टी का रिफ्लेक्शन होगा तो ये डेंसर से डेंसर में आया, ठीक है, तो डेंसर से डेंसर में आया तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, ए टी आर डैश आ जाएगा, क्योंकि डेंसर से डेंसर में आया, और ये आर जो है वो आया हमारे पास रेयर से डेंसर में, तो ए आर तो एज इट इज है और टी जो है उसका ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्शन आ जाएगा तो ए आर टी आ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा ए आर टी प्लस ए टी आर डैश। नाउ इसका पोर्शन जो है ये क्या हुआ, ट्रांसमिटेड हुआ, तो इसका ए टी ए टी टी डैश आ जाएगा क्योंकि ये डेंसर से रेयर में डल जाएगा, ए आर का रेयर से रेयर में जाता है तो ए आर इंटू आर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका रिफ्लेक्शन का। तो ये जो टर्म है ये वाली, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और ये वैल्यू क्या है, इसके बराबर होना चाहिए, यहां तो कुछ है नहीं तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो ए आर ए टी तो बराबर बराबर ही है, ये वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी, ये हमने पुट अप कर दिया यहाँ पर, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी टी डैश इक्वल टू ए, तो इससे ए कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो है एक कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस टी टी डैश इक्वल टू वन, तो टी टी डैश की वैल्यू वन माइनस आर स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन में ए आर टी जो है प्लस ए टी आर डैश क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, तो ए टी कॉमन ले ले तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू जीरो, तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू जीरो आ गया, तो आर इक्वल टू माइनस आर डैश। ये हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो है जब रेयर से डेंसर मीडियम में वेव जाती है तो उसमें एक फेज चेंज आ जाता है, और वो कितना होता है, 180 डिग्री का या पाई रेडियन का फेज डिफरेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं दोनों, जो कि आगे हम यूज करेंगे इन डिफरेंट टॉपिक्स में। थैंक यू।